कांग्रेस के 48 उम्मीदवारों की पहली सूची गुरुवार की रात जारी हुई। उत्तर नागपुर से मंत्री डॉक्टर नितिन राउत और पश्चिम नागपुर से शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे को फिर से मौका दिया गया है। मध्य नागपुर में पिछली बार मामूली अंतर से हारे अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के सचिव बंटी शेलके पर फिर से विश्वास जताया गया। दक्षिण पश्चिम नागपुर में उप मुख्यमंत्री फडणवीस का मुकाबला करने की जिम्मेदारी अखिल भारतीय कांग्रेस के सचिव प्रफुल्ल गुर्दे को सौंपी गई है। वर्ष 2019 में नितिन राउत और विकास ठाकरे के रूप में नागपुर शहर की 6 में से 2 सीटें कांग्रेस ने जीती। उत्तर नागपुर से राउत 20,944 वोटों से जबकि ठाकरे 6,367 वोटों से जीते थे। राउत छठी बार विधानसभा के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। अब तक वे 4 बार जीत चुके हैं, लेकिन 2014 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ठाकरे चौथी बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे। इससे पहले 2009 में दक्षिण पश्चिम नागपुर और 2014 में पश्चिम नागपुर से वे हारे थे। 2019 में उन्होंने जीत दर्ज की और पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के 32 साल के दबदबे को तोड़ा था। लोकसभा चुनाव में ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को कड़ी टक्कर दी थी। उल्लेखनीय है कि उत्तर नागपुर और पश्चिम दोनों क्षेत्रों में भाजपा ने अब तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। मध्य नागपुर से पिछली बार कांग्रेस ने बंटी शेलके को टिकट दिया था। वे केवल 4,008 वोटों से हारे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के खिलाफ किए गए आंदोलनों ने शेलके की ओर हाईकमान का ध्यान आकर्षित किया और दूसरी बार उनकी उम्मीदवारी पक्की हो गई। भाजपा का यहां से अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज, नागपुर। मौज मस्ती चाहिए, शिव तीर्थ जरूर आइए। डैम वैली और जंगल से घिरा सातपुड़ा के हिल स्टेशन पर स्कूल, फैमिली और ऑफिस पिकनिक के साथ ही शादी, बर्थडे और नाइट पिकनिक के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन। मुंबई गोवा वाली बोटिंग अब शिव तीर्थ में, साथ ही न्यूली अपडेटेड आदिशक्ति वाटर पार्क, मोगली एडवेंचर पार्क, मर्मेट बोटिंग पार्क, बाली राजा एग्रो पार्क। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, तो भूल ना जाना शिव तीर्थाना।